अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड कीमा बंस। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये जो बंस हैं ये बहुत ही टेस्टी हैं। इसमें हमने स्प्रिंग अनियन और बटर और गार्लिक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए है हाफ कप मिल्क ले लेते हैं। इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, भर के 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट और मिक्स करके उसको 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून बटर रूम टेम्परेचर पे, 1 एग रूम टेम्परेचर पे। देखिए ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही में हम ऐड कर लेंगे जो हमने यीस्ट का मिक्सचर बनाया था, इसको भी मिक्स करके सबको ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को, अच्छे से कंबाइन करके हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। डो तो हमारा रेडी है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा और मिल्क डाल के इसको भून लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क डाल के इसको अच्छे से फिर से भून लेंगे। इस डो में जो हमने 1 टेबलस्पून मिल्क मिलाया है वो इसलिए मिलाया है ताकि हमारे बंस बहुत सॉफ्ट बने। वैसे तो बटर भी बहुत सॉफ्ट करता है, प्लस ये भी हमारे बंस को बहुत सॉफ्ट करेगा। तो बस अब इसको रैप करके रख देते हैं 1 घंटे के लिए। बंस की फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया 250 ग्राम मटन का कीमा, 1 बड़ी सी प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है, यहाँ पे हमने जिंजर लिया है ये 1.5 टेबलस्पून है ग्रेट करने के बाद, और उसी के साथ में हमने लिया है गार्लिक जो 5 क्लोव्स हमने लिए थे जो ग्रेट करने के बाद ये भी 1.5 टेबलस्पून ग्रेट करे हुए हैं। 1 हमने बेल पेपर ली है और 1 कैरेट ली है, दोनों को हमने इस तरह से शेप में काट लिया लंबा लंबा सा। यहाँ पे हमने 5 सेम की फली ली है जिसे फ्रेंच बीन्स कहते हैं, और साथ ही में हमने लिया है 1 स्प्रिंग अनियन का बल्ब जिसको हमने चॉप कर लिया है। चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं 1 टीस्पून से थोड़े से कम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सॉल्ट भी हमने 1 टीस्पून से कम ही लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। सबसे पहले हमने ले लिया था 1 टेबलस्पून से कम ऑयल, उसमें हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून बटर। इसी के साथ ही ऐड कर देंगे हम अपनी चॉप अनियन। बस 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है सॉटे होते हुए, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने जिंजर और गार्लिक। देखिए बहुत ही हल्की सी गोल्डन होने लगी है, बस इसी पॉइंट पे हमको बिल्कुल भी इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना कीमा, इसको भी हम कर लेंगे 1-2 मिनट तक के अच्छे से सॉटे। ये करीब 2 मिनट से सॉटे हो रहा था, अब हम इसमें डाल देंगे अपने रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। अब हम इसको ज़रा सा 2 टेबलस्पून पानी डाल करके इसको सीटी लगा देंगे, बस 1-2 टेबलस्पून लगा दी हमने इस पर सीटी। अब कीमा गला लेंगे फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। कीमा हमारा गल चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अपने टमाटर जो हमने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ ही ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च और गाजर, फ्रेंच बीन्स एंड स्प्रिंग अनियन, सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे अपने कीमे में। बस लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया 1 मुट्ठी, 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो, 1/4 टीस्पून पेपरिका। इन सब को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे, ढक भी देंगे 1 मिनट के लिए ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट से ये सॉटे हो रहा है, अब हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून प्यूरे टोमेटो प्यूरे। देखिए 2 मिनट के लिए स्टीम आ गया था, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गल गई हैं, तो बस अब हम इस पॉइंट पे बंद कर देंगे और ये रेडी है हमारे बंस में जाने के लिए। बन के अंदर लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिया 2 टेबलस्पून बटर,
उसमें मिला देते हैं 1/4 teaspoon लाल मिर्च और 1/4 teaspoon ही सॉल्ट। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें। साथ ही में ऐड कर देंगे 1 teaspoon ग्रेटेड गार्लिक और 2 tablespoon कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, 1 tablespoon हरा धनिया। बेकिंग ट्रे हमने ले ली है यहाँ पे, इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है, सारे एजिस में भी बटर से ग्रीस कर दिया है। जो राइस हो चुका है अब हम इसको निकाल के फिर से डो को नीट कर लेंगे। देखिए कितना फ्लफी हो गया है मेरा डो। अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, बस फिर हम इसके बॉल्स बना लेंगे। देखिए 1-2 मिनट तक हमने इसको नीट कर लिया था, ये अच्छे से हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसके बॉल्स बना करके इसमें फिलिंग भर देंगे। 9 बॉल्स हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इनको हाथ से बढ़ा लेते हैं और फिर इसमें स्टफिंग भर देंगे। सबसे पहले अपने पेड़ को हाथ से बढ़ा लें और फिर थोड़ा सा रोल कर लें, बस फिर उसमें जो नीट बटर लगा लें जो हमने बनाया था अपना मिक्सचर बटर का, घीमे वाला अपना मिक्सचर भरते हैं जो हमने बनाया था। आप जितनी स्टफिंग चाहें उतनी भर सकते हैं, तो बस इसको फोल्ड कर लें सारे तरफ से, पूरी तरह से फोल्ड करके गोला बना के फिर आप इसको ओवल शेप ऐसे करके दे दें। ये देखिए आराम से ओवल शेप बन जाएगा आपका। बेकिंग ट्रे पे आ गए हैं सारे कीमे वाले बंस, हमने सेट कर दिया है, सेंटर वाला सर्कल में है, बाकी सब ओवल शेप के हैं। अब हम इसको बचा हुआ जो बटर और हमने ये बनाया था मिक्सचर, ये हम लगा देंगे सब पे। बटर वाला मिक्सचर हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब हम इस पे सफ़ेद तिल थोड़े से डाल देंगे। बस अब हम फाइनली इसमें अपने चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा भर लेंगे, तो हम इसको कट कर लेंगे ऐसे, सबको कट कर लेंगे सारे बंस को अपने, और फिर यहाँ पे हम फिल कर देंगे अपने चीज़ को मोज़रेला चीज़ से। अब हम इनको फिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे हमने कट किए हैं अपने बंस को। फाइनली जो मेरा बचा हुआ एग था उसमें हमने 1 tablespoon दूध मिला करके इसको भी एग वॉश भी कर देते हैं, ताकि बहुत अच्छा ये क्रिस्पी ऊपर से दिखे। हमारा अवन प्री हीट हो रहा था 10 मिनट से और ये जाने के लिए अवन में बिल्कुल रेडी है, तो हम इनको रख देते हैं अपने अवन में बेक होने के लिए 20-25 minutes 180 degree पे। थर्टी मिनट्स करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें और 5-7 minutes को देने हैं, तो 10 minutes के लिए हम इसको और बेक कर लेंगे। बंस देखिए बहुत अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं, सामने से भी और पीछे से भी। बंस बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं, आप इनको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, किसी भी डिप के साथ, केचप, मेयोनेज या जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ खाएं। बहुत सॉफ्ट है अंदर से और फिलिंग भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।